मेरठ में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार हुए, जहां सगी बुआ के बेटे ने अपने मामा की बेटी को चाकू से मारकर घायल कर दिया। बात सिर्फ 50,000 के लेन देन को लेकर थी, जहां पैसे देने के बहाने उसे अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट इतनी बढ़ गई कि युवती के सिर में चाकू मार दी। घायल युवती को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कभी जो है थाना देलीगढ़ क्षेत्र में चाकूबाजी हुई है देलीगढ़ में, क्या पूरा मामला, कितने लोग आ गए वहाँ पे? दो महिलाएं हमारे पास लाई गई हैं, एक का नाम सोनी था, एक का नाम खुशबू था। दोनों को काफी चोटें हैं, सिर में दोनों के चोटें लगी हैं, बाकी शरीर में भी चोटें हैं। दोनों को भर्ती कर लिया गया, उपचार चल रहा है। चोटों के जो कंडीशन है वो क्या है? हाँ, सोनी की हालत ज्यादा खराब है। हाँ, सोनी को सिर में चोट ज्यादा है। सोनी क्या मामला हुआ था? हमारे ऊपर हीना रहा करती थी, तो उसने हमारे भैया से 50,000 रुपए उधार मंगवाए थे डेढ़ एक महीने के वादे से। तो जब हमने एक महीने के बाद उससे पैसे मांगना शुरू करें, तो उसने हमें टामा करना शुरू कर दिए, देने से मना करने लगी। अपने देवरों को बुलाया और अपनी नंदों को बुलाया, अपनी सास को बुलाया और गालियां दिलवाई, पापा से हमारे मारपीट करी और जाकर थाने में बैठ के हमारे पापा को 151 में बंद करवा दिया। ये चाकू वाली जो मैंने किसने कराया आपके साथ? ये सोनू ने मारा मेरे चाकू, मेरे पेट में मार रहा था, मेरा सिर नीचे हुआ, मुझे पकड़ रखा था फिरोज ने, आफताब ने, हीना ने। तो जैसे मेरे पेट में मार रहा था, मैं एकदम से नीचे को हुई, मेरे सर में लग गया, सर में कई जंगल लगा हुआ है। जी, हमें बुलाया था यहाँ पे, क्योंकि तेरी लड़कियों ने जो गाली कलोज करी थी ना हमसे, वो आके यहाँ माफ़ी मांगेंगी जब 50,000 रुपये देवेंगे, और आके अपने 50,000 रुपये ले जा रहा जली को। ठीक है, तारापुरी के देखिए, अपने 50,000 जब ही देवेंगे तुझे, जब तू यहाँ पे आके माफ़ी मंगवाएगा अपने लोन से। तो हम इसलिए गए थे, हम उनके घर में भी नहीं गए, हम अपनी चाची के बराबर में चले गए थे कि यहीं पे आ जाएंगी। उन्होंने हमारे जाते ही मारपीट शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया। और मेरी छोटी वाली बहन के बंदूक की बट मारी आँख पे, आँख ही